हेलो नमस्कार वेलकम टू महिंद्राज आप सब लोगों का बहुत स्वागत है प्यारे छात्रों जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये बात करने वाले हैं कि देखो स्पीड टेस्ट जितने भी लोग दे रहे हो बहुत अच्छी बात है और जो लोग स्पीड टेस्ट नहीं दे रहे हैं या मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बच्चे रेगुलर बेसिस पे स्पीड टेस्ट दीजिए क्योंकि सिलेक्शन का जो मूल मंत्र अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे तेरह साल के एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने जितने बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा है आप बोलेंगे सभी बच्चे जितने भी हार किसी का ये कहना है कि सर प्रिपरेशन एक लेवल तक ठीक है उसके बाद जो है वो स्पीटे से आप मौके से ही मैटर करता है और हकीकत यही है, है तो आप जरूर दीजिए आज हम एस टी डिस्कशन में एस टी जीरो टू ए रीजनिंग का डिस्कशन करने वाले हैं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऑलरेडी इस पेपर को अटेम्प्ट कर चुके होंगे और मे भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया होगा खैर कोई बात नहीं है जिन्होंने अटैम्प्ट किया है वो डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए जो प्रश्न आपको देखना है जिसका सोल्यूशन देखना है उसका टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा स्ट्रीम होने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ तो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे वो सीधे उसी क्वेश्चन पे आपको डायरेक्टली लेके जाएगा और यदि आपने इस इस जो है यानी नहीं किया है इस स्पीड टेस्ट को हल नहीं किया तो आप हमारे साथ हल करेंगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा सीधे मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा और आपको भी उसी समय हल करना रहेगा कोशिश ये करेगा कि आप मुझसे पहले हल करें वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा चलो एक सवाल दिया हुआ है ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड कंजम्पशन इज चेंज्ड टू द प्रीवियस लेटर कॉन्सोनेंट को पिछले से एंड ईच वॉवल इज चेंज्ड टू द नेक्स्ट लेटर वॉवल को अगले लेटर से चेंज करना है ठीक है इफ द न्यू अल्फाबेट द फॉरमड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओके ना

में कन्वर्ट होगा एन एम में कन्वर्ट होगा एस आर में कन्वर्ट होगा यू जो है एक वॉवेल है तो वॉवेल को हमें नेक्स्ट में है ना वॉवेल को नेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो ये रहेगा वी में कन्वर्ट हो जाएगा एम कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस में एल और पी कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस यानी ओ टी प्रीवियस में यानी एस और यहां देखें आई एक वॉवल है तो नेक्स्ट में करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो तो में अरेंज करना है और फिर राइट साइड से सिक्स काउंट करना है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि राइट साइड से हमें बड़ा लेटर मिलेगा फिर सेकेंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट ऐसे करके चले तो इनमें से सबसे जो बड़ा लेटर अगर हम बात करें तो वी की यानी राइट साइड से पहला आपको कौन सा मिलेगा वी मिलेगा वी से पहले आपको कौन सा मिलेगा एस मिलेगा यहां पे देखो एस लेटर है उसके पहले एस मिलेगा एस से पहले कौन सा रहेगा आर रहने वाला है तो ये राइट से थर्ड हो गया राइट से हमें काउंट करना है लेफ्ट हैंड से ही असेंडिंग या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने पर यही व्यवस्था बननी होगी पहला दूसरा तीसरा हो गया चौथा अगर हम देखें तो एस के बाद अगर देखा जाए तो पी है ना एस के बाद कौन सा रहेगा पी रहेगा और दो बार पी है तो अगले दो ये एक दो तीन चार पांच ये हो गया अब जो राइट साइड से छठा होगा ना वो कौन सा होगा ओ होगा यानी हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए ओ फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन ये उत्तर के रूप में होना चाहिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं सिलॉक से रिलेटेड है ओनली अ फ्यू कप आर ऑलमंड कुछ कप आलमंड हैं। एंड फिर कहता है सम वॉलट आर कप कुछ वॉलट कप है नो स्पून इज ऑलमंड कोई भी स्पून ऑलमंड नहीं है और फिर आता है एटलीस्ट सम कम से कम कुछ कप स्पून है तो आप देखो कप और स्पून के बीच में वैसे तो कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है तो कप और स्पून के बीच में आप जो भी रिलेशन देखेंगे वो नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं एटलीस्ट लगा के सम लिखे या सम लिखे बात एक है ऑल ऑलमंडनट इज अ पॉसिबिलिटी सारे ऑलमंड के वॉलट होने की संभावना है ऑलमंड यहाँ पे है और वॉलट यहाँ पे है इन दोनों के बीच में वैसे कोई एसोसिएशन या रिलेशन नहीं दिख रहा है जब इनके मध्य में कुछ ना बताया गया हो तो पॉसिबिलिटी कोई भी दी गई हो सही हो जाएगी तो यहाँ पे सेकेंड कंक्लूजन आपका राइट right होता है ऑप्शन इज टू बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओनली अ फ्यू पेंसिल आर इरेजर केवल कुछ पेंसिल इरेजर हैं तो पेंसिल का कुछ हिस्सा इरेजर के साथ पॉजिटिव साथ में पेंसिल का कुछ हिस्सा इरेजर के साथ आप नेगेटिव बनाओगे ऑल पेन आर इरेजर सारे पेन पेन इरेजर के अंदर रखने हैं ये पेंसिल है पी सी एल लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे पी एन ऑल पेन आर इरेजर अब आप देखो पहला कंक्लूजन ऑल पेंसिल कैन नेवर बी पेन सारे पेंसिल को पेन के अंदर नहीं रख पाएंगे बिल्कुल सही बात है क्यों है ऐसा है पेंसिल को अगर पेन के अंदर रखने की कोशिश करोगे तो पेंसिल का ये हिस्सा जो कि इरेजर के लिए नेगेटिव है वो भी पेन के अंदर जाने लगेगा या इरेजर के अंदर जाने लगेगा तो जो कि मना किया गया है तो फर्स्ट कंक्लूज मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होगा और वही बात लिखी है कि कैन नेवर बी है ना एक और बात समझ सकते हो कैन के साथ यदि नेवर लगा हुआ तो सम नॉट को व्यक्त करता है यानी ऑन पेंसिल कैन नेवर का मतलब हुआ सम पेंसिल आर नॉट पेन है ना कुछ पेंसिल पेन अब पेंसिल का कुछ हिस्सा इरेजर के नेगेटिव है तो इरेजर के इरेजर का ही हिस्सा पेन है तो पेंसिल का ये हिस्सा पेन के लिए भी नेगेटिव रहेगा सम नॉट रहेगा एटलीस्ट सम पेन समर पेंसिल पेन और पेंसिल के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं या रिलेशन नहीं देख रहा है तो ये गलत हो गया ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट वन आंसर आपका कौन सा होगा ऑप्शन वन होगा येज द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके सामने ओनली फ्यू इंग्लिश आर हिंदी केवल कुछ इंग्लिश क्या है हिंदी है इंग्लिश का कुछ हिस्सा हिंदी के साथ पॉजिटिव है साथ के साथ इंग्लिश का कुछ हिस्सा हिंदी के लिए नेगेटिव भी रहेगा तो ओनली फ्यू इंग्लिश आर हिंदी सम फ्रेंच आर इंग्लिश फ्रेंच का कुछ हिस्सा इंग्लिश के साथ पॉजिटिव रिलेशन में फ्रेंच no के बीच में नेगेटिव रिलेशन है अब आ जो पहले conclusion पे all French Hindi, सारा French, Hindi नहीं negative relation, no का दिया हुआ है। तो ये तो गलत हो ही गया। दूसरा इंग्लिश फ्रेंच नहीं है इंग्लिश का कुछ हिस्सा फ्रेंच के लिए नेगेटिव है इंग्लिश यहाँ पे है फ्रेंच यहाँ पे तो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में देखो इंग्लिश का कुछ हिस्सा फ्रेंच के लिए नेगेटिव ऑफकोर्स बनेगा कैसे कि इंग्लिश का कुछ हिस्सा किसके साथ जुड़ा हो बच्चे हिंदी के साथ और हिंदी नेगेटिव किसके लिए है फ्रेंच के लिए यानी इंग्लिश का जो हिस्सा हिंदी के संपर्क में होगा वो ऑफ कोर्स ही बात है फ्रेंच फ्रेंच के लिए नेगेटिव होगा सो सो सम इंग्लिश आर नॉट सेकंड कंक्लूजन इज इज राइट द द आंसर टू बी ऑप्शन नंबर वी गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पांचवा सवाल आपके सामने कहता है ओनली फ्यू बॉटल्स आर इरेजर बॉटल का कुछ हिस्सा क्या है इरेजर है एंड देन नो बॉटल इज माउस कोई भी आ, जो है बॉटल जो है माउस नहीं है

सम नॉट केवल फॉरवर्ड चलता है यानी अगर कहीं दिया हुआ सम आर नॉट बी तो सम बी आर नॉट ये नहीं कह पाओगे आप कन्फर्म रूप से तो यहां पे सम इरेजर आर नॉट माउस है माउस की तरफ से सम नॉट आप नहीं कह पाओगे तो यह गलत हो गया ऑल इरेजर कैन नेवर बी माउस सारा इरेजर माउस कभी नहीं हो सकता कैन के साथ नेवर मैंने आपको क्या बताया सम नॉट मान लो यानी सम इरेजर आर नॉट माउस और वही देख रहा है इरेजर का कुछ हिस्सा जो बॉटल के साथ जुड़ा हुआ है माउस के लिए नेगेटिव होगा बिल्कुल सही है या फिर आप इसको, इसको इसी तरीके से यथावत देखना चाहें ये कह रहे हैं कि पूरे इरेजर को माउस के अंदर नहीं रखा जा सकता बिल्कुल नहीं रखा जा सकता क्यों इरेजर को माउस के अंदर ले जाने का प्रयास करोगे तो इरेजर का ये हिस्सा जो बॉटल के साथ जुड़ा हुआ है ना ये माउस के लिए रिस्ट्रिक्टेड होगा नहीं जा पाएगा तो आपने कहा पॉसिबल नहीं होगा कैन नेवर बी वाली बात बिल्कुल सही है सेकंड कंक्लूजन इज राइट सो द ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन वी गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सवाल आपके सीरीज से रिलेटेड रहने वाले हैं क्या सवाल दिया विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द द फॉलोइंग सीरीज ऑन दीर अरेंजमेंट दी गई व्यवस्था में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो आपको बताना है और इस सीक्वेंस में ही आपको वो चीज ऑब्जर्व करनी रहेगी चलो पहले देखते हैं आर एंड वन आर यहाँ पे दिया हुआ है एंड दो के गैप पे दे रखा है और यदि देखो आर का अगला एलिमेंट वन दिया हुआ है फिर के फाइव डॉलर फिर यहां से चले ह हाँ, अगर देखो एंड जो है उससे एक दो तीन चार का गैप करके के, के से फाइव है ना तो के से फाइव दो का गैप किया गया यहाँ से भी दो का गैप किया गया था और के का अगला फिर 5 से देखो, फिर से से देखो वही चार का गैप होना चाहिए एक दो तीन चार का गैप होके फिर नाइन से स्टार्ट हुआ होना चाहिए और नाइन से परसेंट जाएगा दो के गैप पे और नाइन का नेक्स्ट लेटर जो है वाई फिर परसेंटेज से चार के गैप पे एक दो तीन चार यहाँ पे स्टार से देखो दो के गैप पे सिक्स जाएगा स्टार का अगला एलिमेंट तो हैस, आप बोलोगे राइट ऑफ फिफ्टींथ फ्रॉम राइट एंड इन द गि अरेन्जमेंट दी गई व्यवस्था में दाई तरफ से पंद्रहवें के दाए पांचवा है ना तो पंद्रह के दाए पांचवा पंद्रह राइट right साइड से राइट right और राइट right अगर दिया गया हो मैंने कहा सेम एंड यदि दिया गया हो तो हमेशा आप सब्स करते हैं बड़े में से छोटा पंद्रह में से आप फाइव माइनस करोगे तो फिफ्टीन माइनस फाइव टेंथ यानी टेंथ राइट से आपको काउंट करना है और कोई एलिमेंट आपको एलिमिनेट करना नहीं है राइट हैंड साइड से टेंथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन एच इज़ द करेक्ट आंसर फोर्थ विकल्प में दिया हुआ देखो ये प्रश्न हर कोई करेगा इसमें आप स्पीड बना पाओगे तो आप लोगों से बढ़त बना पाओगे इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप सारे सिम्बल्स को हटा दिया जाए दी गई सीरीज में विच एलिमेंट बिल बी नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन बाई तरफ से नोवा कौन सा होगा सिम्बल को ना गिनना नोवा काउंट कर लेते हैं करेक्ट आंसर फोर सो दैट द करेक्ट आंसर अगले प्रश्न पे आते हैं ये रहा आपके सामने नवा सवाल हाउ मेनी सच नंबर कितनी ऐसी संख्याएं किसकी बात करें नंबर्स की इन द गिज विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई अ सिंबल जिनके तुरंत पहले सिंबल दिया है एंड फॉलोड बाई अ लेटर जिनके तुरंत बाद में लेटर दिया तो सिंबल नंबर लेटर देखना है सिंबल ऑब्जर्व करना आपके लिए आसान है देखो फिर से बोलो हाउ मेनी सच 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 नंबर्स आर देयर व्हिच इज इन द गिवन दिवेंट आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल जिनके तुरंत पहले सिंबल दिया हो एन इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर जिनके तुरंत बाद में एक लेटर दिया गया सिंबल से ऑब्जर्व करो सिंबल के बाद नंबर नहीं है ये सिंबल के बाद नंबर नहीं है फिर से यहां सिंबल के बाद नंबर नहीं है यहां सिंबल के बाद नंबर है, है उसके बाद एक लेटर दिया हुआ है एक पेयर आपको ये मिल गया सिंबल नंबर और फिर उसके बाद क्या लेटर है नहीं है फिर अगला सिंबल देखो यहां पे नंबर और उसके बाद क्या लेटर दिया हुआ नहीं दिया हुआ उसका मतलब केवल एक मिलेगा वन इज द आंसर इज दैट्स गिवन इन ऑप्शन टू सो दैट्स द करेक्ट आंसर अगला प्रश्न कुछ प्रश्न संख्या टेन हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर कितने ऐसे लेटर्स है इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर नंबर पहले दिया गया हो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल सिंबल जिसके तुरंत बाद में दिया गया हो. तो नंबर लेटर सिंबल देखना है अब आप देखो नंबर लेटर सिंबल सिंबल पहले देख लो उसके पहले लेटर उसके पहले नंबर ऐसे देखते हैं सिंबल कैच आंखों में जल्दी होता है सिंबल के पहले लेटर नहीं है सिंबल के पहले लेटर उसके पहले नंबर ये एक पेयर मिल गया हमें भाई सिंबल के पहले लेटर उसके पहले नंबर दूसरा मिल गया फिर सिंबल के पहले लेटर उसके पहले नंबर नहीं है छोड़ दो सिंबल के पहले लेटर उसके पहले नंबर नहीं है ठीक है सिंबल के पहले लेटर लेकिन उसके पहले नंबर नहीं है सिंबल के पहले लेटर ही नहीं है तो आपने कहा दो ऐसे अगला ग्यारह सवाल आपके सामने ये रहा हाउ मेनी देयर इन वर्ड स्टैग्नेशन स्टैग्नेशन शब्द में है ना ईच ऑफ विच डायरेक्शन एस दे है आपको क्या करना है स्टैगनेशन अब ये प्रश्न में आप समय जितना बचा पाओ उतना अच्छा होगा बच्चे चलो यहीं पे देखते हैं एस से टी एक तो डायरेक्टली फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों देखना है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं जाएंगे आगे टी से अब इधर देखो ए से टी से इधर कोई मतलब नहीं है ए से चलो बी सी डी ई एफ जी एच नहीं मिल रहा ए से इधर भी नहीं मिलेगा जी से एच आई जे के एल एम नहीं मिल रहा जी से एच आई जे इधर भी नहीं मिल रहा एन से चलो ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला एन ओ पी क्यू आर नहीं मिल रहा ए से देख लेंगे बी सी डी ई नहीं मिलेगा बी सी डी ई एफ नहीं मिलेगा टी से यू वी डब्ल्यू नहीं मिलेगा टी से इधर देखो टी के इधर सारे छोटे लेटर हैं काउंट करने की जरूरत आई से देखो आई जे के नहीं मिलेगा आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं मिलेगा और फिर एन से ओ से एन इधर नहीं मिलेगा मिले भाई N से o ये दूसरा मिल गया केवल दो मिलेंगे ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा साउथ सारे लोग साउथ डायरेक्शन भैया नॉर्थ बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ओनली थ्री पर्सन सिट बिटवीन एम एंड यू एम और यू के बीच बीच में तीन लोगों का गैप है एम इज राइट ऑफ यू यू एम के राइट साइड में है ठीक है ओनली टू सेट बिटवीन यू एन एच यू और एच के बीच में दो लोगों का गैप है ओनली थ्री पर्सन सेट बिटवीन एम एंड वी एम और वी के बीच में तीन लोगों का गैप है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थ्री पर्सन ये वाला देख लो बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ से उठाओ एक ये लाइन उठा सकते हो है ना और ये एक लाइन मेरे दिमाग में सेट हो गई है कहाँ गया ओनली थ्री पर्सन सेट बिटवीन एम एंड ओनली थ्री पर्सन सेट बिटवीन एम एंड एम एन वी ये दो लाइन मेरे को दिख रही है बिल्कुल सटीक जो हम यूज कर सकते हैं और फिर कह रहे हैं ओनली बिटवीन क्यू एन एन मोर देन टू है यह प्रश्न को बनाने के लिए कितना समय आपको चाहिए वैसे तो मैं समय आपको अलॉट नहीं करूंगा पर मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे साथ बनाना स्टार्ट करिएगा और कोशिश करिए आप मुझसे जल्दी बना पाएं चलो ओनली थ्री पर्सन बिटवीन एम एन यू और ये एम एस टू द राइट ऑफ यू एम यू के राइट में है साउथ फेसिंग बताया गया नॉर्थ बनाओगे कोई फर्क नहीं आएगा आपको सबको सेम मिलेगा कोई उससे दिक्कत नहीं आप ईस्ट वेस्ट बना दो तो भी मैं चलो ऐसे बनाने जा रहा हूँ ठीक है ऐसे बनाने जा रहा हूँ ऐसे बनाने में इसलिए क्योंकि मेरे लिए जगह खाली यहीं पे मिल रही है तो मैं ऐसे इसको मैं लेफ्ट मान ले रहा हूँ और उसको इसको, इसको नीचे मैं राइट right साइड मान के चल रहा हूँ ठीक है सबका फेसिंग इस तरफ लेके चलूंगा ठीक है अब आप इसको उल्टा ऐसे साउथ मेरे लिए जगह ऐसी है तो मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ ओनली थ्री पर्सन बिटवीन एम एंड यू और एम राइट ऑफ यू एम यू के राइट में है ठीक है M और U के राइट में है एम और के है। के है। U. U के है। एक, यू के बीच में तीन है फिर यहाँ पे आएंगे तीन लोग हैं तो भाई एम यहाँ तीन के गैप पे, को नीचे नहीं बना पाओगे एक दो और तीन का गैप करके वी को यहाँ पे बनाओगे तुरंत ढूंढो वी से रिलेट करने वाला कोई लाइन यदि आपको मिल जाता है नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आ जाओ जिसमें बोला गया था एम इज राइट ऑफ यू ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन यू एन एच यू और एच के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए अब दो पॉसिबिलिटी बनेगी एक यहाँ पे एक दो और एच को यहाँ पे बना दो एम यहाँ पे और एक आ, दो और तीन का गैप करके वी यहाँ पे एक ऊपर इस तरफ एक दो का गैप करके एच को आप इस भी बना सकते हो ओनली टू पीपल सिट बिटवीन यू एन एच दो पॉसिबिलिटी यू और एच को लेकर यू एच यहाँ में भी यहाँ पे भी, भी पॉसिबल है ठीक है फिर आ जाओ अब चूंकि एच बन गया तो एच तो से लिंक करने वाला कोई लाइन आपको जो मिल जाए देखो यहाँ पे जो हमने यूज कर लिया उसको हम हाईलाइट कर लेते ये हमने यूज कर लिया है उसके अगले वाला थ्री परसेंट वाला सेट कर लिया

एक दो तीन का गैप करके Z को आपको यहीं पे प्लेस करना रहेगा वापस आते हैं एक और चीज देखते हैं अभी Z जब हमने यहाँ बना लिया तो Z से रिलेटेड हम लाइन को पिक कर सकते हैं जिसमें कहा गया आई सिट सेकेंड राइट ऑफ Z यहाँ पे देखो आई सिट सेकेंड राइट ऑफ Z Z के राइट में सेकेंड यानी Z के राइट में एक दो सेकेंड I को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इस वाले में भी फर्स्ट सेकेंड यानी आई को हम इस प्लेस कर सकते हैं आई सिट सेकेंड राइट ऑफ याद रखिएगा राइट हम नीचे बना रहे हैं ठीक है आई सिट सेकेंड राइट ऑफ जेड आई इज नॉट इमीडिएट ने आई एच का पड़ोसी नहीं है इस वाले केस में देखो आई एच के पड़ोस में आ रहा है ये केस एलिमिनेट हो गया इस वाले में आई एच के पड़ोस में नहीं आ रहा है। तो ये केस तो आपका खारिज हो गया ये वाला आपका जो है वो एलिमिनेट हो गया इस वाले केस को हम कंटिन्यू करते चलेंगे I is not immediate neighbor of H. फिर क्या कह रहे हैं मोर देन टू परसेंट सेट बिटवीन जेड एंड एन जेड और N के बीच में दो से ज्यादा व्यक्ति बैठे हुए हैं और फिर Z सिट सेकेंड राइट ऑफ Q. ये वाली लाइन उठाओ Z सीड सेकेंड राइट ऑफ Q. जेड क्यू के राइट right में सेकेंड पोजिशन यानी क्यू को यहां बनाओ क्योंकि राइट में फर्स्ट सेकेंड पोजिशन पे कौन रहेगा जेट रहेगा क्यू जब आपने बना लिया तो क्यू से लिंक करता हुआ और लाइन देखेंगे हमें कहीं दिख रहा है क्या ये यूज हो गया जेट सेटवीन क्यू एन एन क्यू और एन के बीच में तीन लोगों का गैप है एक दो तीन का गैप करके एन इधर नहीं बन पाएगा ना एक दो तीन का गैप करके एन को आप इस तरफ बना सकते हो हाँ यही तो है ओनली थ्री पर्सन सेट बिटवीन क्यू एन एन मोर सेट बिटवीन देखो बिल्कुल ये बना है आपका सीक्वेंस एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस उन्नीस टोटल लोगों की संख्या आ रही है चलो आ जाओ पहला सवाल हाउ मेनी पर्सन देन आ, इन, इन रो

आई और बी के बीच में यदि पांच लोग हैं देन वॉट इज द पोजिशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू बी आई बी के बीच में पांच लोग है ना आई और बी के बीच में पांच एक दो तीन चार पांच बी एक तो यहां पे पॉसिबल है एक देखो एक दो तीन चार पांच बी यहाँ पे पॉसिबल है नहीं आई और बी इस तरफ हो तो एन के राइट साइड में सेकेंड पोजिशन पे बी बनेगा है ना यही तो पूछा है देन वट इज द पोजिशन ऑफ n विध रिस्पेक्ट टू b? तो b के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन पे n रहेगा देखो b के लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड रहेगा सेकेंड पोजिशन सेकंड टू द लेफ्ट आना चाहिए सेकंड टू द लेफ्ट थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हाउ मेनी पीपल आर सेटिंग बिटवीन जेड एंड एच जेड और एच के बीच में बैठने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी जेड यहाँ पे एच यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः जन बैठेंगे और हमारा आंसर ऐसे में कितना हो जाना है और सिक्स uh, जो कि सेकेंड विकल्प में दिया हुआ है अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सी बात सही है V is it third right of H. के राइट में थर्ड पोजिशन पे देख लेते हैं एच के राइट में थर्ड पोजिशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं है भैया वी तो बड़ा लंबा जाना पड़ रहा है एम एन एच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ठीक है एम एच पड़ोसी नहीं है कि जेड एग्जैक्टली क्यू और आई के बीच में एम एच एम एच पड़ोसी है तो ये भी गलत हो गया तो उसमें कहा गया था नॉट पड़ोसी जेड और आई के लिए कुछ कहा गया था है ना जेड सिट एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एन आई Z, Q और ई के बीच में जेड क्यू ये देखो बिल्कुल सही बात है भाई तो इस Q, Z के बीच में एक और जेड आई के बीच में एक तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा तो बिटवीन क्यू एंड आई थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन ओके अगला सवाल आपके सामने राजेश वॉक थर्टी मीटर टूअर्स एंड देन टेक राइट टर्न एंड देन वॉक ट्वेंटी मीटर अगेन ही टेक राइट टर्न एंड वॉक फॉर ट्वेंटी थर्टी मीटर फाइनली ही टूक लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स वॉकिंग टेन मीटर फ्रॉम टू रिच इज होम ओके इस क्वेश्चन को करने का एक मेरा अपना तरीका है राजेश वॉक थर्टी मीटर टूर से साउथ ओके तो मैं लिखूंगा थर्टी साउथ ओके देन टुक राइट टर्न अब कोई व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में जा रहा है राइट right जाएगा तो किधर जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा uh, then took right turn and walk for 20, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्वेंटी वेस्ट ओके ही अगेन टुक राइट टर्न एंड वॉक थर्टी मीटर फिर से कोई वेस्ट जा रहा है राइट right टर्न लेगा तो नॉर्थ जाने लगेगा और वो कितना जा रहा है थर्टी जा रहा है थर्टी नॉर्थ यहाँ पे लिखेंगे फाइनली ही टेक लेफ्ट टर्न आप कोई नॉर्थ में जा रहे हैं लेफ्ट टर्न लेगा तो इस तरफ जाएगा एंड लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग टेन मीटर तो दस मीटर चलता है लेफ्ट टर्न लेके यानी वेस्ट में जा रहे हैं टेन मीटर आपको बस इतना समझ लेना है बच्चे कि देखो नॉर्थ साउथ सॉल्व होता है ईस्ट वेस्ट आपस में सॉल्व होता है नॉर्थ साउथ में क्या होता है डिफरेंस निकालना होता है और ईस्ट ईस्ट वेस्ट वेस्ट आपस में जुड़ते हैं सेम डायरेक्शन जुड़ेगा तो यहां पे साउथ नॉर्थ है तो इसका अंतर निकालना उसका अंतर जीरो आ जाएगा पे वेस्ट और वेस्ट तो जुड़ जाएगा बीस दस तीस थर्टी वेस्ट सॉरी तो, थर्टी वेस्ट अब आपका ये जो है एक चीज बनेगा कि वो उसका फाइनल पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से जो है किस दिशा में है तो वह रहेगा वेस्ट कितनी दूरी है तो थर्टी आएगा इन वेस्ट डायरेक्शन राजेश होम इज लोकेटेड फ्रॉम राजेश स्टार्टिंग पॉइंट तो वेस्ट आएगा पांचवा विकल्प आपका करेक्ट आंसर बनेगा इवन दो आप डायग्राम बना के करना चाहें तो कर लिया होगा वैसे आपने वॉट वॉज द डिस्टेंस बिटवीन राजेश रीच होम तो क्या है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई राजेश तो तो इसमें कुछ करना नहीं है तीस ये जोड़ो बीस पचास ये हो गया और पचपान तीन आठ अस्सी और दस ये नब्बे so, तो टोटल नाइनटी आएगा पांचवा विकल्प में दिया दैट्स द करेक्ट वन चलो अगला योगी हैज अ सन एंड अ डॉटर योगी का एक बेटा है और एक बेटी है प्रेम इज सन ऑफ महेश ठीक है योगी हैज सन एंड डॉटर प्रेम इज द सन ऑफ महेश तानिया इज द मदर ऑफ जैक योगी इज अ फादर ऑफ रोली रोली इज द डॉटर ऑफ तानिया किशन ओके okay. ये देखो ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन पहले उठाने वाला है ठीक है आप देख लो इसको बनाना स्टार्ट करो तभी मैं भी बनाना स्टार्ट करता हूं ठीक है योगी के एक बेटा एक बेटी है योगी इज फादर ऑफ रोली योगी किसका पिता है योगी रोली के पिता है है ना योगी इज फादर ऑफ रोली रोली इज द डॉटर ऑफ तानिया रोली किसकी डॉटर है तानिया रोली जो है योगी फादर है तो पुरुष हो गए तो योगी फादर ऑफ रोली हो गए रोली डॉटर है तानिया की तो रोली योगी की भी डॉटर है तानिया की भी डॉटर है इसका मतलब योगी और तानिया का विवाह हुआ है ना तानिया इसमें फीमेल हो गए ठीक है आप किशन इज सन ऑफ दीप्ति तानिया इज सिस्टर ऑफ दीप्ति तानिया किसकी सिस्टर है दीप्ति की तानिया सिस्टर है दीप्ति की ओके थोड़ा इधर बनाते यार तानिया इज सिस्टर ऑफ दीप्ति तानिया और दीप्ति तो सिस्टर ठीक है तो तानिया इज सिस्टर ऑफ दीप्ति हु इज मैरिड टू प्रेम दीप्ति का विवाह किसके साथ हुआ है प्रेम के साथ हुआ है अब प्रेम का जेंडर क्या है वो अभी नहीं पता ठीक है ऊपर चलो प्रेम इज सन ऑफ महेश प्रेम किसके बेटे हैं महेश के यार कहा बनाए हम एक तो थक गया हूं मैं इस बात को लेकर योगी का विवाह तानिया से मेल फीमेल रोली यहां पे इनकी बेटी के रूप में और तानिया की बहन दीप्ति दीप्ति ने विवाह किया है प्रेम से है ना फिर प्रेम के बारे में कहा गया प्रेम महेश के बेटे हैं प्रेम भाई बेटे हैं पुरुष हो गए तो दीप्ति पक्का महिला हो गई ठीक है नाम से कभी मत जेंडर निर्धारित कर देना ठीक है तो यहां महेश रखेंगे अब तानिया इज मदर ऑफ जैक तानिया किसकी मदर है जैक की तानिया रोली की भी मदर है तो तानिया और योगी के दो बच्चे यहां ऊपर लिखा गया था एक बेटा एक बेटी ये बेटी है तो जैक बेटा होगा ठीक है चलो पहले प्रश्न पे आते हैं ये हाउ इज प्रेम रिलेटेड टू तानिया प्रेम तानिया के क्या है तो ब्रदर इन लॉ तानिया की बहन के पति तो ब्रदर इन लॉ बनेंगे थर्ड ऑप्शन अगला हाउ इज रिलेटेड टू महेश किशन जो है वो महेश से कैसे सम... किशन भी है क्या यहाँ पे किशन देखो किशन इज सन ऑफ दीप्ति अच्छा यहाँ पे किशन भी सन है किशन सन ऑफ दीप्ति तो किशन महेश से कैसे तो महेश के ग्रैंड सन कहलाएंगे महेश के बेटे का बेटा तो ग्रैंड सन ग्रैंड सन, ग्रैंड सन सेकेंड ऑप्शन चलो अगला सवाल एट पर्सन आर सिटिंग सर्कुलर टेबल देम आर फेसिंग इनसाइड Uh, center while some of them are facing outside the center. C sits third left of A, G sits second left of F, E sits third right of G. Both E and H are facing same direction as C. D sits opposite to H, and H is not immediate neighbor of G. Who is facing opposite direction to F, C is not immediate neighbor of D. B is neither sit opposite to E or nor F. Both C and E are facing same direction. Chalo आप लोग स्टार्ट करो मैं भी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं एक सर्कुलर टेबल है और आठ जन इस टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं ठीक है सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर सम ऑफ सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर सी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए फेसिंग क्लियर नहीं है जी सिट क्लियर है ई सिट थर्ड राइट ऑफ जी नहीं क्लियर है e E H, C का डायरेक्शन सेम है ठीक है डी सिट ऑपोजिट के सामने बैठा हुआ है. डी अरे बाप रे बाप. C, D का पड़ोसी नहीं है बी opposite टू ई नॉर एफ बोथ सी and ए आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन सी और ए का जो डायरेक्शन वो सेम है ए इज फेसिंग किधर देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है. A से लिंक करता हुआ मिला चलो भाई ए अंदर देख रहे तो पक्का सी बी सेंटर फेसिंग होगा सी और ए का सेम डायरेक्शन फेसिंग अब ऊपर चलते हैं सी से थर्ड लेफ्ट ऑफ ए है ना तो ए यहां से हम उठा सकते ठीक है तो इसीलिए पेशेंस रखना जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है सी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ए सी एन ए फेसिंग सेम डायरेक्शन ए फेसिंग इन साइड ए अंदर देख रहे यहां से उठाओ और फिर क्या है सी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड

ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ ठीक है अभी छोड़ो सी इज नॉट इमिडिएट ने पड़ोसी नहीं है डी तो इधर नहीं रखेंगे और डी को इस जगह पर नहीं रख सकते बी नीधर इपोजिट टू ई नॉर एफ बी ई और एफ का पड़ोसी नहीं है ठीक है बी और डी का डायरेक्शन सेम है बट ऑपोजिट टू जी जी के विपरीत बैठा हुआ है ठीक है हाँ, ये लाइन उठाओ डी सिट्स ऑपोजिट टू एच एच इज नॉट एन इमीडिएट ऑफ़ जी। चलो डी यहां यहां होगा नहीं तो आप डी एच के ऑपोजिट में रखने के लिए कहां जगह एक तो यहां बैठ भैट, बैठती जगह दूसरी जगह डी को यहां रख देते एच को इस जगह पर रख देते तो एक पहले ट्राई कर लेते हैं D और H को हम D ऑब्लिक एच यहां पे लेके चलते हैं और D ऑब्लिक एक काम कर लो यहां से हटाओ अभी पहले है? D को यहाँ D को यहाँ रखो और H को इस जगह पर रखो ठीक देखते हैं बोथ E H फेसिंग सेम H का डायरेक्शन सेम है यानी C के जैसा ही है तो H सेंटर पे H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G H के पड़ोस में कौन नहीं है G नहीं है तो यहाँ G, तो G नहीं होगा छोड़ो हटाओ ठीक है हु इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ F Uh, यानी जी का फेसिंग एच एफ uh, के ऑपोजिट है सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी बी नीदर सिट्स ऑपोजिट टू ई बी ई और एफ के विपरीत में नहीं है ठीक है सी एन ए आर फेसिंग सेम डायरेक्शन सी और ए का डायरेक्शन सेम है ठीक है फेसिंग इन साइड सर्कल बी एंड डी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन बी और डी का डायरेक्शन सेम है ओके जी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ ठीक है जी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ एफ के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे और एफ का फेसिंग किधर जाएगा जी यहां बनाए एफ यहां बनाए जी सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ मान लो ऐसा है सी डी का पड़ोसी नहीं है बी को यहाँ बनाओ बी ई e और एफ के ऑपोजिट में नहीं है तो ई e यहाँ बनेगा अब एक बार सारा कुछ देखते हैं ठीक है सी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए ए के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन सी जी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ जी एफ के लेफ्ट में सेकंड, ठीक है ई सिट थर्ड राइट ऑफ जी जी के राइट right में थर्ड पोजीशन पे हाँ यहाँ पे गड़बड़ है है ना ई सिट थर्ड राइट ऑफ जी और अगर आप ई e को यहाँ पे बनाते हो ना चलो अच्छा एक काम और कर लेते हैं यहाँ से ई हटाते जी को यहाँ से हटाते और एफ को यहाँ से अभी हटाओ बी को यहाँ से हटाओ ठीक है अब देखो ऐसे यदि एफ को यहाँ बनाए और जी को इस जगह पे बनाए ठीक तो इसके जी के लेफ्ट में थर्ड पोजिशन कहीं खाली नहीं मिले कि बी को लेकर है ना ऐसा ही तो बोला गया है बी जी सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ ई सेट थर्ड राइट ऑफ जी जी के राइट right में थर्ड पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर भी इधर भी नहीं खा लिया तो जी को हमें कहा रखना पड़ेगा यहाँ नहीं रख सकते एफ को इस जगह पे नहीं रख सकते और जी को आप इस जगह पे नहीं रख सकते एफ को यहाँ पे रखो ओके okay, चलो जी यहाँ रखते हैं और एफ को इस जगह पे रखते हैं अभी देखते हैं क्या बनता है जी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ एफ के लेफ्ट में एफ को बाहर फेसिंग मानते हैं जी इसके लेफ्ट में यहाँ पे है. और ई सेट थर्ड राइट ऑफ जी जी के राइट right में थर्ड पोजिशन तो जी को सेंटर बनाओ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ई यहाँ पे बनेगा ऐसे में है ना फिर बी आपका ऑपोजिट आ जाएगा एफ के यही तो होगा बी डज नॉट सिट ऑपोजिट टू एफ बोला गया था बी नीदर सिट ऑपोजिट टू ई नॉर एफ और ऐसे में बी को आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा तो क्लियर सी बात है एफ को फिर आप यहाँ नहीं रख सकते जी को यहाँ नहीं रख सकते ई e को यहाँ नहीं रख सकते तो अब गबड़ी कहाँ है एच और डी जो हमने यहाँ पे प्लेस किया था वो हटाओ यहाँ से हटाओ एच ऑर डी को अब एच ऑर डी के लिए जगह कहाँ बचती है एच और डी आमने सामने रहने वाले हैं और अब एक और जगह एच ऑर डी को लेकर यहाँ पे एच ऑब्लिक डी डी ऑब्लिक एच चलो ये देख लेते हैं बोथ ई एन एच आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एज सी फिर देखते हैं क्या है जी सिट से लेफ्ट ऑफ एफ एफ के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन पे और जी किस जी एफ के लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन पे जी एफ के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे एफ का लेफ्ट एफ यहाँ पे और जी यहाँ पे बनाए ठीक है तो बनेगा जी एफ के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट सेकंड जी यहाँ मानो एंड ई से थर्ड राइट ऑफ जी जी से दो के गैप पे ई e यहाँ पे बन जाएगा ई से थर्ड राइट ऑफ जी जी और एफ का फेसिंग क्या ऑपोजिट है

C is not immediate इमीडिएट of D. C D का पड़ोसी नहीं है ठीक है C, G who's facing opposite होना चाहिए यहां पर गड़बड़ हो गया तो पक्की बात एक और uh, elimination. G और F को फिर यहां से हटाओ फिर अभी D को जो हमने H को fix किया वो हट हट जाएगा अभी भी अब जी और एफ को हम कहा लेके सक सकते हैं यहां से यहां पे एफ यदि आप यहां मानो और जी को जिक्र पे मानो है ना और क्या बोला गया जी सिट से थर्ड सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ एफ को फिर केंद्र की तरफ मानोगे जी उसके लेफ्ट में सेकेंड पोजिशन पे आर जी हूज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू तो एफ तो जी का डायरेक्शन ऑपोजिट बाहर की तरफ हो जाएगा आर जी के लेफ्ट में थर्ड पोजिशन पे ई सिट थर्ड राइट ऑफ जी जी के राइट में थर्ड पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ई के लिए जगह खाली नहीं है तो फिर आप बोलेंगे ई e अभी ई e भी हट जाएगा तो फिर ये दिक्कत कर गया जी के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं खाली होगा यहाँ पे फिर छोड़ो आप इस जगह पे छोड़ने के बाद फिर हमारे पास एक ही विकल्प बचता है भाई मैं बताऊँ कौन सा यहाँ से यहाँ पर है यह ना अब आप देखो एफ को इस जगह पर रखो और जी को इस जगह पर जी अगर एफ को जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है जी सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ एफ को आउटर मानोगे तो जी को सेंटर मानोगे और जी के राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ई e के लिए जगह बिल्कुल खाली दिख रही है अब लग रहा है लाइन पे आ गई बात क्या कह रहा है सी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए बिल्कुल बन रहा है सी ए के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे है दोनों का डायरेक्शन भी सेम है जी सिट लेफ्ट ऑफ एफ एफ के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे जी बनेगा ई सिट थर्ड राइट ऑफ जी जी के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड ई e बन रहा है बोथ ई एन एच आर फेसिंग सेम डायरेक्शन है सी तो ई का फेसिंग सेम अच्छा जी के पड़ोस में कौन नहीं है आ, आ, D sits opposite to H. H is not immediate neighbor of G. H G का पड़ोसी नहीं है तो H यहां पे G का पड़ोसी नहीं है है ना हाँ ठीक है और H फिर यहां पे हो जाएगा ठीक तो D sit opposite to H. H is not immediate neighbor of G. Who is facing opposite direction to F? H G और F का opposite है facing. C is not immediate neighbor of D. C D का पड़ोसी नहीं है तो C D के पड़ोस में नहीं आएगा C आप यहाँ पे बना दोगे

लेफ्ट ऑफ जी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कौन है एफ है राइट right आंसर क्या बनेगा ऑप्शन क्या है के respect में D, आ, अगर देखे तो यहाँ पे A के तुरंत लेफ्ट साइड में डी बैठा हुआ है यानी इमीडिएट लेफ्ट आएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन चार एक समान एक अलग है जो अलग है उसका पता लगाना है एच ई एफ ए जी एच ई एफ ए एन जी देखो एफ केवल इसमें से आउटर फेसिंग है तो अलग क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा अगला विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क बेस्ड ऑन एच एफ जी डी ई बी एच एफ जी डी ई बी एच एफ जी डी ई बी और उसके बाद क्या आएगा तो एच से देखो एच एफ फिर जी एक छोड़ के डी एक छोड़ के ई e, बी एक छोड़ के एफ सी यानी क्या आना चाहिए एफ सी तो अगले क्वेश्चन में ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन में एफ सी होना चाहिए सी एफ एफ एच रहेगा क्या एक मिनट एच के राइट में एफ है जी के राइट में डी है ई e के राइट में बी है एक का गैप ले लो एफ के राइट में एच है भाई एफ के राइट में एच है एफ एच आएगा तो एफ एच थर्ड ऑप्शन में दिया बिटवीन एच एंड डी सी एच और डी के बीच में है सी एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड डी गलत हो गया तीसरा हमने डायरेक्टली पढ़ लिया था चलो अगला सी इज एन ऑफ E सी का पड़ोसी है सी का ई e का पड़ोसी और सी केंद्र नहीं देख रहा है। C सी किसका पड़ोसी सी ई e का पड़ोसी नहीं है सी केंद्र नहीं देख रहा है दोनों बातें गलत हो गई सी डज नॉट फेस सेंटर सेंटर फेस कर रहा है सी ई e का पड़ोसी भी नहीं है ये वाला पहले ही गलत हो गया ए थर्ड लेफ्ट ऑफ सी ए के सी के लेफ्ट में थर्ड पोजिशन सी के लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं ये भी गलत हो गया तो अब आपके पास बचता है नन नाइनस टू दैट्स वुड गिवन इन फिफ्थ ऑप्शन और ये रहा आपका आज का स्पीड टेस्ट आई होप आपने स्पीड टेस्ट को फास्ट फॉरवर्ड मोड में एंजॉय किया होगा एंड दैट्स इट फॉर द डे आज के लिए बस इतना ही है खुश रहिए ख्याल रखिए मस्त रहिए जम के पढ़िए ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए आप जल्दी सफल हो जाएंगे थैंक यू सो मच बबाइन टेक केयर